हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था दो सदिश को गुणा करने पर अगर अदिश राशि प्राप्त होती है तो इस तरीके के गुणनफल को बोलते हैं अपन अदिश गुणनफल या स्केलर प्रोडक्ट। अब आज देखेंगे अगर दो सदिश को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अगर अपन को सदिश राशि प्राप्त होती है तो इस तरीके के गुणनफल को बोलते हैं सदिश गुणनफल या क्रॉस प्रोडक्ट। तो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन है दो सदिशों के गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश हो तो ऐसे गुणनफल सदिश गुणनफल कहलाता है। नेक्स्ट है इसकी डेफिनेशन, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके मध्य बने कोण की ज्या तथा एकांक सदिश के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं अपन के पास में अगर दो वैक्टर है ए वैक्टर और बी वैक्टर, अगर अपन को इसका सदिश गुणनफल करना है तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट होगा और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। दोनों वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उस एंगल का अपन साइन कंपोनेंट लेते हैं और साथ में ही आता है इसके साथ में एन वेक्टर। एन वेक्टर होता है यहाँ पे एकांक सदिश, अर्थात एकांक सदिश की जो दिशा होती है एकांक सदिश की जो डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है। इस प्रकार दो वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करने पर अपन को जो फाइनल आंसर मिलता है वह भी वेक्टर मिलता है। तो इस तरीके के गुणनफल को बोलते हैं सदिश गुणनफल या फिर क्रॉस प्रोडक्ट। तो सदिश गुणनफल में अपन देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी, सदिश गुणनफल से प्राप्त राशि सदिश होती है। तो अपन जानते हैं अगर दो सदिश का आपस में सदिश गुणनफल होता है तो उससे प्राप्त राशि सदिश होती है। सेकंड है इसमें सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। यहाँ पे क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं होगा, ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर की जो वैल्यू होगी वह वैल्यू बी वैक्टर क्रॉस ए वैक्टर की नहीं होगी, दोनों के मल्टीप्लीकेशन में अपन को अलग अलग वैल्यू मिलेगी। एक एग्जांपल देखते हैं अपन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो यहाँ पे अपन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब देखते हैं ए से बी की तरफ थीटा लेंगे अपन, तो ए से बी की तरफ अपन एंगल लेते हैं थीटा, तो यहाँ पे आता है साइन थीटा एन कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करने पर अपन को मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर में भी क्या अपन को यही सेम वैल्यू मिल रही है क्या, तो यहाँ पे अपन लेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अब यहाँ पे अपन एंगल लेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है तो यहाँ पे अपन लेंगे बी से ए की तरफ एंगल, यहाँ पे अपन ने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर में लिया था ए से बी की तरफ, लेकिन यहाँ पे है बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर तो बी से ए की तरफ, तो ये हुआ एंगल थीटा, तो ये आ रहा है इसके ऑपोजिट एंगल है तो ये होगा माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए साइन माइनस थीटा एन कैप। साइन माइनस थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे इनका दोनों का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा एन कैप, तो अपन देखते हैं अपन को मिलता है माइनस, मैग्नीट्यूड को अपन आगे पीछे लिखेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अपन ने यहाँ पे लिखा ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप। अब अपन देखते हैं ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप अपन को मिलता है ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर में, तो अपन इसकी जगह पुट करेंगे माइनस ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर। तो अपन देखते हैं क्रम विनिमय नियम की पालना यहाँ पे नहीं होती है, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर की जो वैल्यू आती है वही वैल्यू आती है माइनस में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। अदिश गुणनफल होता है उसमें क्रम विनिमय नियम की पालना होती है, लेकिन सदिश गुणनफल होता है उसमें क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती है, दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम नहीं आता है क्योंकि यहाँ पे अपन देखते हैं माइनस का साइन और एक्स्ट्रा आ रहा है, तो यहाँ पे क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। यहाँ पे अपन को बता रहे हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में पैरेलल है और जब भी दो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में हमेशा एंगल होता है जीरो डिग्री। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को जब अपन ओपन करते हैं तो अपन को मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब यहाँ पे थीटा की जगह अपन वैल्यू पुट करेंगे जीरो, थीटा की वैल्यू यहाँ पे जीरो मिल रही है तो यहाँ
नोट करेंगे साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, तो ये पूरी टर्म हो गई जीरो। तो अपन देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मिलती है जीरो। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है। नेक्स्ट है दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल अधिकतम होता है। यहाँ पे अपन के पास में दो वेक्टर है ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को ओपन करने पर मिलता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। अब थीटा की जगह अपन पुट करेंगे 90, साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो अपन यहाँ पे अपन को वैल्यू मिला ए बी एन कैप। एन कैप है वो है एकांक सदिश, मतलब एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगी। और इसका जो मैग्नीट्यूड मिला अपन को ए बी, ये है मैक्सिमम वैल्यू। तो अपन देखते हैं दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल हमेशा अधिकतम मिलता है। इसी के आधार पर अपन देखते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के। तो यहाँ पे देखते हैं आई क्रॉस आई दोनों ही एक्स एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जीरो एंगल बन रहा है। जे क्रॉस जे दोनों ही वाई एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है। और के क्रॉस के दोनों ही जेड एक्सिस में है, तो दोनों के बीच में जीरो डिग्री का एंगल बन रहा है। और जब एंगल जीरो डिग्री का होता है तो वो पूरी वैल्यू जीरो हो जाती है। तो यहाँ पे अपन को वैल्यू मिलती है जीरो, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के की वैल्यू हमेशा मिलती है अपन को जीरो। अब देखते हैं यहाँ पे I, J और K। यहाँ पे अपन साइक्लिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। I से J की तरफ आते हैं तो I क्रॉस J करने पर अपन को मिलता है K। यहाँ पे अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो अपन देखते हैं I क्रॉस J करने पर अपन को मिलता है K वेक्टर, J क्रॉस K करने पर अपन को मिलता है I वेक्टर और K क्रॉस I करने पर अपन को मिलता है J वेक्टर। ये तो मिलता है अपन को क्लॉकवाइज चलने पर। अगर अपन एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो अपन को माइनस में वैल्यू मिलती है। जैसे अपन जे क्रॉस आई, तो यहाँ से अपन जे से आई की तरफ जा रहे हैं तो अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जे से आई की तरफ जाने पर अपन को मिलेगा के वेक्टर माइनस के। अब देखते हैं अपन आई क्रॉस के, तो यहाँ पे अपन आई से के की तरफ आ रहे हैं तो अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आई से के की तरफ आने पर अपन को मिलेगा माइनस जे। अब देखते हैं अपन K और J का, तो K क्रॉस J करने पर अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो अपन को आंसर मिलेगा माइनस आई कैप। तो इसको नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं दो सदिशों के मध्य कोण, तो यहाँ पे अपन को दो सदिशों के बीच में कोण को निकालना है। तो अपन देखते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप होता है एकांक सदिश जो अपन को डायरेक्शन बताता है। ये डायरेक्शन होती है ये दोनों ही वैक्टर के परपेंटिकुलर होती है। तो यहाँ से अपन साइन थीटा को सेपरेट करेंगे तो अपन को मिलेगा ए वैक्टर क्रॉस बी वैक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ऐसे अपन दो सदिशों के बीच में एंगल फाइंड आउट करते हैं। फिर नेक्स्ट है ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस ए जेड के और बी वेक्टर की वैल्यू है बी एक्स आई प्लस बी वाई जे प्लस बी जेड के। अब अपन को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना है तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, तो अपन ए वेक्टर को लिखेंगे और बी वेक्टर को लिखेंगे, फिर जो ए एक्स आई कंपोनेंट है इसको पूरे से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन को ये वैल्यू मिलती है, फिर ए वाई जे को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन को ये इक्वेशन मिलती है, फिर अपन ए जेड को पूरी इस इक्वेशन से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपन को ये वैल्यू मिलती है। इस प्रकार अपन को ये इक्वेशंस मिलती है इनको मल्टीप्लाई कराने पर। अब अपन देखते हैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये है समांतर सदिश। और अपन ने पढ़ा था दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल जीरो होता है, तो ये वाली टर्म हो जाएगी जीरो। फिर अपन देखते हैं आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे करने पर क्या मिलता है, तो अपन देखते हैं आई क्रॉस जे करने पर अपन आ रहे हैं क्लॉकवाइज और आई से जे आने के अपन को मिलता है के कैप, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे के कैप। नेक्स्ट में देखते हैं अपन आई क्रॉस के, तो यहाँ पे अपन देखते हैं आई से के की तरफ आ रहे हैं, यहाँ पे अपन एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज आते हैं तो अपन की जो शाइन होता है वो माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे अपन को मिलेगा माइनस जे। फिर अपन देखते हैं यहाँ पे जे क्रॉस आई,
तो यहाँ पे अपन देखते हैं जे से अपन आई की तरफ जा रहे हैं, तो अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो जे से आई की तरफ जाने पर अपन को वैल्यू मिलेगी, वो मिलेगी माइनस में, तो यहाँ पे आएगा माइनस के, तो यहाँ पे अपन ने लिखा माइनस के। फिर अपन देखते हैं जे क्रॉस के में क्या मिलता है, तो जे क्रॉस के अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, जे से के की तरफ जाने पर अपन को मिलता है आई कैप, तो अपन ने यहाँ पे पुट किया आई कैप। फिर देखते हैं अपन के क्रॉस आई, तो K से I की तरफ जा रहे हैं, अपन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो K से I की तरफ जाने पर अपन को मिलेगा J कैप, तो अपन ने यहाँ पे पुट किया J कैप। फिर देखते हैं K क्रॉस J, K से J की तरफ जाना है, तो K से J की तरफ आ रहे हैं, तो अपन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आने पर अपन को माइनस में आंसर मिलता है, तो यहाँ पे अपन को मिला माइनस आई कैप, तो यहाँ पे अपन ने वैल्यू पुट की। अब यहाँ पे अपन ने आई साइन को कॉमन लिया, जे साइन को कॉमन लिया और के साइन को कॉमन लिया, तो अपन के पास में फाइनल आंसर ये मिलता है। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर अपन को फाइनल आंसर ये प्राप्त होता है। अपन दो सदिशों का सदिश गुणनफल मैट्रिक्स की विधि से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे अपन लिखेंगे आई जे और के, अपन के पास पहले मिल रखा है ए वेक्टर, तो ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे अपन ए एक्स ए वाई ए जेड। फिर आ रखा है बी वेक्टर, तो बाद में बी एक्स के बी के कंपोनेंट लिखेंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। अब सबसे पहले अपन लिखेंगे आई वेक्टर, तो आई वेक्टर जब अपन लिखेंगे तो आई के कंपोनेंट को अपन छुपा देंगे। फिर अपन देखेंगे ए वाई बी जेड, तो ए वाई बी जेड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे ए जेड बी वाई को, तो अपन के पास में आई के कंपोनेंट मिल जाएंगे। फिर अपन को जे के कंपोनेंट लिखना है, तो यहाँ पे अपन आगे माइनस का साइन ले लेते हैं, तो अपन लिखते हैं माइनस जे और फिर जे के कंपोनेंट को हाइड कर देते हैं, तो अपन के पास में मिलता है ए एक्स बी जेड, इनका आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे ए जेड बी एक्स की वैल्यू। फिर उसके बाद में अपन k वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, तो इसके पहले कंपोनेंट को अपन हाइड करेंगे, फिर अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ए एक्स बी वाई का आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे ए वाई बी एक्स का। इस प्रकार से अपन मैट्रिक्स से भी दो वेक्टर को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखते हैं अपन कुछ रिलेशन, तो फर्स्ट रिलेशन है रेखीय वेग व कोणीय वेग में संबंध। यहाँ पे अपन को बता रहा है इक्वेशन रेखीय वेग और कोणीय वेग में क्या संबंध है, तो v वेक्टर होता है वो होता है इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, जहाँ पे v वेक्टर होता है रेखीय वेग, ओमेगा वेक्टर होता है कोणीय वेग और r वेक्टर होता है स्थिति सदिश। नेक्स्ट है रेखीय त्वरण व कोणीय त्वरण में संबंध। यहाँ पे अपन को इक्वेशन रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में आपस में रिलेशन बता रही है, तो a वेक्टर होता है अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, जहाँ पे a वेक्टर होता है रेखीय त्वरण, अल्फा वेक्टर होता है कोणीय त्वरण और r वेक्टर होता है स्थिति सदिश। नेक्स्ट है रेखीय संवेग व कोणीय संवेग में संबंध, तो ये मिलता है अपन को l वेक्टर इज इक्वल्स टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर, जहाँ पे l वेक्टर होता है कोणीय संवेग, r वेक्टर होता है स्थिति सदिश और p वेक्टर होता है रेखीय संवेग। अब इन रिलेशन का यूज़ करके अपन कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो इन रिलेशन को याद करना ज़रूरी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना ए वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 2i प्लस जे प्लस 3k कैप और बी वेक्टर की वैल्यू मिल रखी है 3i प्लस 4j प्लस 5k कैप। अब अपन को यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो अपन इसको मैट्रिक्स से सॉल्व करेंगे। अपन को करना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे, तो आई के पास में आ रहा है 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, जे के पास में आ रहा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और के साथ मिल रहा है 3, तो यहाँ पे लिखेंगे 3। अब अपन लिखेंगे बी वेक्टर के कंपोनेंट, तो आई के साथ में है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, जे के साथ में है 4, तो यहाँ लिखेंगे 4 और के साथ में है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5। अब सबसे पहले अपन आई वेक्टर के लिए लिखेंगे, तो आई वेक्टर के जो कंपोनेंट है उसको हाइड कर लेंगे, फिर अपन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू 5 हुआ 5 माइनस 4 इंटू 3, इनका जो आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है इसमें से लेस होगा, तो 4 इंटू 3 मिलता है 12
अब लिखेंगे अपन जे के लिए, तो यहाँ पे अपन जे के जब कंपोनेंट लिखते हैं तो यहाँ पे आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। अब इसको हाइड कर लेंगे, तो अब अपन करेंगे 2 × 5, 2 × 5 होता है 10, तो यहाँ लिखेंगे 10 माइनस 3 × 3, 3 × 3 मिलता है 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। अब लिखना अपन को k कैप के लिए, तो यहाँ पे इसके कंपोनेंट को हाइड कर लेंगे। अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 × 4 मिलता है अपन को 8 माइनस 3 × 1, तो यहाँ मिलता है 3। तो 5 − 12 मिलता है −7, 10 − 9 मिलता है 1, तो यहाँ आ गया माइनस जे कैप, और 8 − 3 मिलता है 5, तो यहाँ पे आ गया 5k कैप। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करने पर अपन को आंसर मिलता है −7i कैप −j कैप +5k कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी कण का रेखीय संवेग p वेक्टर इज इक्वल टू 3i − 2j − k वेक्टर तथा स्थिति सदिश r वेक्टर 2j + k वेक्टर है, तो कोणीय संवेग ज्ञात करो। तो अभी अपन ने कोणीय संवेग और रेखीय संवेग का रिलेशन देखा था, तो अपन को मिलता है l वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर क्रॉस p वेक्टर। अपन को p और r की वैल्यू मिली है, अब अपन को निकालनी है यहाँ पर l की वैल्यू, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं L वेक्टर इज इक्वल्स टू R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर। अब R वेक्टर के अपन को मिलता है 2j + k कैप, तो यहाँ पे I की वैल्यू 0 है, तो अपन यहाँ पे लिख देंगे 0। J की वैल्यू अपन को मिलती है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। और K की वैल्यू अपन को मिलती है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1। फिर अपन लिखेंगे P वेक्टर के लिए, तो P वेक्टर मिलता है 3i − 2j − k कैप, तो यहाँ पे I की जगह अपन लिखेंगे 3, J की जगह लिखेंगे −2 और K की जगह लिखेंगे −1। अब अपन को इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले अपन I वेक्टर के लिए लिखते हैं, तो I वेक्टर को हाइड कर लेंगे, तो अपन करेंगे 2 × −1, 2 × −1 करने पर मिलता है −2। इसमें से अपन को सब्सट्रैक्ट करनी है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो −2 × 1 होता है −2, तो यहाँ पे अपन वापस लिखेंगे −2। J के लिए अपन लिखेंगे −j कैप। अब J के कंपोनेंट को हाइड कर लेंगे, तो 0 × −1 हो गया 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करना है 3 × 1, तो अपन को मिलता है 3। फिर लिखेंगे +k कैप। अब K के कंपोनेंट को हाइड कर लेंगे, तो 0 × −2 होता है 0, इसमें से अपन को सब्सट्रैक्ट करनी है 3 × 2, तो अपन को मिलता है यहाँ पे 6। अब इसको अपन को सॉल्व करना है। तो अपन को L वेक्टर मिलता है 0i कैप +3j कैप −6k कैप, ये हुआ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू 2j + 6k कैप −4i और r वेक्टर है j कैप + k कैप, तो a वेक्टर का परिमाण ज्ञात करो। तो यहाँ पे अपन को दे रखा है कोणीय त्वरण और स्थिति सदिश, और अपन को निकालना है रेखीय त्वरण। तो अपन ने रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में रिलेशन देखा था, a वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। तो अपन देखते हैं ए वेक्टर का रिलेशन मिलता है अल्फा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। तो अल्फा के पहले अपन लिखेंगे कंपोनेंट, तो अल्फा में मिलता है अपन को −4i + 2j + 6k, तो i के नीचे लिखेंगे −4, j के नीचे लिखेंगे 2 और k के नीचे लिखेंगे 6। अब लिखेंगे r वेक्टर के लिए, तो r वेक्टर यहाँ पे i नहीं है, तो i के लिए अपन लिखेंगे 0, j का वैल्यू मिल रहा है अपन को 1 और k के लिए भी मिल रहा है 1। अब करेंगे अपन क्रॉस मल्टीप्लाई, सबसे पहले i के लिए अपन लिखेंगे, तो i के कंपोनेंट को हाइड करेंगे 2 × 1, 2, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 × 1, फिर लिखेंगे अपन −j। अब j के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, तो −4 × 1, −4,
इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 इंटू 0, तो ये वैल्यू मिलेगी 0। अब लिखेंगे k वेक्टर के लिए, तो k के कंपोनेंट को हाइड करेंगे 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 0, तो यहाँ पे मिलता है 0। तो अपन को आंसर मिलता है, ए वेक्टर की वैल्यू मिलती है अपन को माइनस 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 4 के कैप, मिल गया है ए वेक्टर। अब निकालेंगे अपन इसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आई के साथ जो कंपोनेंट है, जे के साथ जो कंपोनेंट है और के साथ जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और फिर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे अपन को ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलता है माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर और फिर इसका रूट ले लेंगे, तो अपन के पास में फाइनल आंसर मिलेगा 4√3। इस तरीके से अपन परिमाण निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि आर वेक्टर की वैल्यू दे रखी है 3j प्लस 2i माइनस k कैप और ओमेगा वेक्टर की वैल्यू मिल रखी है 2k कैप प्लस j, अब अपन को यहाँ पे निकालना है v वेक्टर, तो यहाँ पे अपन को रेखीय वेग निकालना है और कोणीय वेग और स्थिति सदिश अपन को दे रखे हैं। तो रेखीय वेग और कोणीय वेग में अपन ने रिलेशन देखा था v वेक्टर इज इक्वल्स टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस r वेक्टर, तो यहाँ पे अपन को वो फॉर्मूला यूज़ करना है। तो यहाँ पे अपन देखते हैं ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, तो सबसे पहले अपन ओमेगा की वैल्यू लिखेंगे। ओमेगा की वैल्यू अपन को मिलती है 2k कैप प्लस j कैप, यहाँ पे i का कंपोनेंट कुछ भी नहीं है तो अपन ने लिखा यहाँ पे 0, j के साथ में आ रहा है 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और k के साथ में आ रहा है 2 तो k के नीचे अपन लिखेंगे 2। अब अपन लिखेंगे r वेक्टर के कंपोनेंट, तो r वेक्टर अपन को मिल रहा है 3j प्लस 2i माइनस k, ये सही ऑर्डर में अरेंज नहीं है तो अपन इसको सही ऑर्डर में अरेंज कर लेंगे और फिर लिखेंगे i के नीचे i का कंपोनेंट लिखेंगे, तो i के साथ आ रहा है 2 तो यहाँ लिखेंगे 2, j के साथ में आ रहा है 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और k के साथ में आ रहा है माइनस 1 तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे अपन i कैप और i कैप के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, अब करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 इंटू माइनस 1 होता है माइनस 1, इसमें से अपन सब्सट्रैक्ट करेंगे 3 इंटू 2 तो अपन को मिलेगा 6, फिर लिखेंगे अपन माइनस जे, अब जे के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, 0 इंटू माइनस 1 होता है 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 2 तो अपन को मिलेगा 4, प्लस के वेक्टर, अब के कंपोनेंट को हाइड करेंगे, 0 इंटू 3 मिलता है 0, इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे 2 इंटू 1। तो इस प्रकार से अपन को रेखीय वेग वी वेक्टर की वैल्यू मिलती है माइनस 7 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 2 के कैप, इस प्रकार से अपन सदिश गुणनफल करते हैं।